दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको आज एके ब्लॉग के में नए वीडियो के साथ। मैं आपको आज लेकर आया हूं बिहार के पटना जंक्शन के नज़दीक भगवान महावीर मंदिर का दर्शन करवाने के लिए। आप पूरा वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये है पटना महावीर मंदिर, जहाँ लोग पूरे बिहार ही नहीं बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोगों को मानना है कि यहाँ सच्चे मन से चढ़ावा चढ़ाया जाए तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। इसी संदर्भ में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। और इस मंदिर की एक और खासियत है साथियों कि यहाँ इस मंदिर के ट्रस्ट से बहुत सारे चिकित्सालय हॉस्पिटल चलती है। बिहार महावीर कैंसर संस्था, बिहार महावीर आँख अस्पताल और भी कई ऐसे चीज़ें इस ट्रस्ट के माध्यम से चलती है साथियों। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। साथियों मैं आपको लेकर चलता हूँ अब मंदिर के। देखिए यहाँ नवेदम धाम लड्डू है, भगवान महावीर के मन चरणों में यही नवेदम धाम लड्डू चढ़ाया जाता है और ये प्योर शुद्ध देसी घी के से लड्डू बने हुए रहते हैं साथियों। तो आप देखते जाइए, ये फूल माला बेचने वाले हैं। तुलसी का पत्ता भी देखिए अपने साथ में रखे हुए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। कुछ लोग तुलसी के पत्ते को भी चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं लड्डू के साथ। साथियों देखिए कितनी अधिक भीड़ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए भगवान महावीर के अंदर का दृश्य मैं आपको जूम करके फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ। साथियों देखिए कितने लोग यहाँ भीड़ इकट्ठे होकर अपने आस्था के प्रति लोग यहाँ शनिवार और मंगलवार को आते हैं। मानना है लोगों को कि महावीर भगवान का दिन शनिवार और मंगलवार को ही रखा गया था। इस दिन को लोग भगवान महावीर और को शुभ मानते हैं। देखिए ये पूरे दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी अधिक भीड़ है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितने। अब मैं ऊपर की ओर लेके चलता हूँ आपको भगवान महावीर मंदिर के पहले तल्ले पर। मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहा हूँ, देखिएगा ऊपर का दृश्य क्या होता है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो वीडियो में साथियों बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ये अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथियों, देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर में देखिए लोग, ऊपर भी काफ़ी लोग हमको देखने के लिए मिले हैं साथियों। तो देखिए ऊपर भी लोग भगवान की कई मूर्तियां हैं जिनके अपने जिनके सामने अपने सर झुकाकर नवेदम धाम लड्डू का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये पटना जंक्शन से जस्ट बगल में है भगवान महावीर मंदिर। ये काफ़ी पुरानी महावीर मंदिर हैं बिहार में, तो लोग माने जाते हैं कि कभी महावीर मंदिर है, लेकिन ये सबसे पुरानी महावीर मंदिर है। ये देखिए मैं आपको भगवान महावीर के प्रथम तल्ले पर से पटना जंक्शन का दीदार करा रहा हूँ साथियों। ये देखिए लहराता हुआ झंडा जो पटना जंक्शन की है, तो देखिए और वीडियो में बने रहें साथियों। ये देखिए ये ऊपर का वीडियो है, लोग कुछ लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, समय देते हैं भगवान महावीर के चरणों में। लोगों को मानना है कि सच्चे मन से अगर कोई मन्नत मांगी जाए साथियों तो लोग वो की मन्नत पूरी होती। यहाँ ये है भगवान महावीर को लोग शनिवार के दिन शुभ घड़ी में लोग सुबह से ही 3 बजे रात से ही यहाँ लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। ये देखिए भगवान महावीर का मंदिर का पूरा नक्शा बना हुआ है, इस प्रकार से भगवान महावीर मंदिर के कैंपस में कौन सी मूर्तियाँ कहाँ पर है ये आपको एक नक्शे के माध्यम से मालूम चल जाएगा। और आगे विशेष कर जो बनाया जा रहा, कहा जाता है साथियों कि भगवान महावीर मंदिर से के ट्रस्ट से बहुत सारे राम मंदिर बनने में जो कुछ खर्च आया था, यहाँ से बहुत सारे नवेदम धाम लड्डू राम मंदिर निर्माण में गया था वहाँ प्रसाद बांटने के लिए। तो आप देखिए ये सब, देखिए ये सब भगवान महावीर मंदिर के अंदर तल्ले पे जो लोग, ये देखिए साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से सीन लिया हुआ है और नीचे के लोगों को मैं किस प्रकार से लाइन में लगे हुए हैं। 3 बजे रात से ही लोग यहाँ शनिवार को मंगलवार को लोग आ जाते हैं, नवेदम धाम लड्डू और तुलसी का पत्ता और फूल शुभ माना जाता है उसको लोग चढ़ाने के लिए। देखिए एक गिलास है, गिलास में पानी में एक पत्ता रखा गया है, उस पर लोग अपनी आस्था प्रकट करते हुए सिक्के के रूप में कुछ दान चढ़ाते हैं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब आप देखिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ।
फ्रंट कैमरे से मैं आपको पूरा वीडियो का कवर किया हूँ। अब मैं मंदिर के दूसरे तल्ले पर जा रहा हूँ, ऊपर का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे किस प्रकार से लोग दिख रहे हैं। दूसरे तल्ले काफ़ी ऊंची है, लोग आना जाना लोगों का चालू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको ऐसे और भी अधिक वीडियो समय समय पर बनाकर दिखाता रहूँगा। ये देखिए पटना जंक्शन की दृश्य है, दूसरे तल्ले पर से भगवान महावीर मंदिर के दूसरे तल्ले पर से पटना जंक्शन की पूरी तस्वीर की, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। अब देखिए दूसरे तल्ले पर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, उस समय अपना यहाँ विश्राम करने में देते हैं। ये बाहर से आने जाने वाले लोगों को समय पर कहीं जगह नहीं मिलने पर विश्राम करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये ऊपर से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए ये दोपहर 2 बजे की तस्वीर है, उसके बाद बावजूद भी इतनी संख्या में भीड़ यहाँ लगी हुई है लोगों को। ये देखिए भगवान गणेश की प्रतिमा है, वो शीशे में पैक रखे गए हैं, उनको छूने का बाहर से कोई है नहीं ऐसा। ये देखिए पीपल का पेड़ एक मंदिर पे ऊपर है। ये पटना जंक्शन की तस्वीर देखिए, झंडा लहराता हुआ हमारे देश के शान। ये प्रतिमा देखिए, अलग अलग भगवान देवताओं की प्रतिमा अलग अलग जगह पे बनी हुई है और शीशे से पैक रखी गई है ताकि इन्हें कोई छू न सके। अब देखिए साथियों एक और प्रतिमा देखिए अलग, हर जगह लोग कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। ये देखिए एक यहाँ पे गए तो हम देखे कि एक साफ करने वाले लोगों ने यहाँ अपने साफ वहाँ किए हुए थे, लोग काफ़ी सरसों का तेल, तीसी का तेल ये चढ़ाते थे साथियों। अब नीचे की ओर आइए, मैं आपको निकास दरवाजे की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्थल है वो ये स्थल वो है जहाँ पर लोग भगवान महावीर मंदिर में जाने के लिए अपने जूते चप्पल को रखते हैं। उनके व्यवस्थाएँ के लिए अच्छी प्रकार से महिलाओं के लिए अलग से लॉकर और जेंट्स के लिए अलग से लॉकर बनाया गया है ताकि उनके चप्पल जूते सॉक्स जो है सुरक्षित रखा जाए, उसमें कोई कोताही नहीं। कहा जाता है कि भगवान महावीर मंदिर के बाहर की व्यवस्थाएं भी उतना ही दुरुस्त है जितना भगवान महावीर मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं हैं। जूते चप्पल रखने के लिए खासा ध्यान रखा गया है यहां संस्था के द्वारा। कहा जाता है कि भगवान महावीर मंदिर इतनी खूबसूरत और दृश्य बना है, इसके पीछे एक खास व्यक्ति का हाथ है, वो SP कुणाल जी हैं, उनके खास हाथ है इस महावीर मंदिर को बनाने में। उन्हीं का योगदान रहा था कि इस मंदिर को अच्छी तरीका से बनाया जाए ताकि लोग पूरे बिहार से यहाँ दर्शन मात्र के लिए आएँ। ये आपको सब बाहर के दृश्य है, भगवान महावीर मंदिर के बाहर के दृश्य। लोग अपने जूते चप्पल रखने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दोपहर के 2 बज गए हैं फिर भी इतनी भीड़ लगी हुई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शनिवार के दिन यानी 3 बजे भोर से लेकर 3 बजे शाम तक या 5 बजे शाम तक भी यहाँ उतना ही भीड़ रहती है।